where Jasim Heather and the Pindi boys. पहली दफा हम सिर्फ म्यूजिक कर रहे हैं जिंदगी में इन कुछ दिनों में तो बड़ा अच्छा लगा. प्रैक्टिस के हिसाब से जो है बहुत मिस्ट्री है, बहुत बड़ी. कुछ नहीं पता क्या होना है, किस तरीके से होना है. जो ड्रम किट जो मेरे हमारे जिस पे हमने जैम किया है उसकी बेस ड्रम पे स्किन कम टेप ज़्यादा लगी हुई है. अब आके हम लोगों को ये सब यहाँ पे कराची में किट मिली है प्रैक्टिस करने को. ओरिजिनल ट्रैक्स में रूम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, आप किसी फ्रेम के अंदर काम नहीं कर रहे होते हैं. कवर्स को फिगर आउट करने का टाइम आता है तो फिर हम लोग को स्टडी करना पड़ता है. सेकंड लेग चेंज करनी पड़ती है ना. बिल्कुल, फिर जब वो एंड रिजल्ट निकलता है उसको तो बिल्कुल कवर जो है ट्रांसफॉर्म हुआ होता है. जब से हम हुए जवान जाने हो गई कहां. बैटल ऑफ द बैंड्स जाने से पहले हमारी एल्बम बिल्कुल हम रिलीज करने लगे थे. हमने उसकी रिलीज रोक दी. हमने कहा हम बैटल ऑफ द बैंड्स जब हो जाए उसके बाद हम जो भी होगा हम रिलीज करेंगे. जस्ट टू कम्पीट विद द अदर बैंड हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ रही हैं जो कि हमारा टेस्ट नहीं है. हमारे शहर में जो है म्यूज़िक बिल्कुल डेड हुआ हुआ था. ईद के टाइम में बकरे होते हैं ढेर सारे, जब आप पकड़ के लेके आते हैं ना उनके दांत खोल के देते हैं कि जी धोंदा है कि खीरा है, उसकी जो हालत होती है ना, ये म्यूजिशियंस की पिंडी इस्लामाबाद में ये हालत. पहली दफ़ा जब मैं आया था पिछली दफ़ा ऑडिशन के लिए और अब में एक बहुत बड़ा फ़र्क है. पहले मैं तो जॉब चल रही थी मेरी और दूसरा मैं घर बताए बगैर आया था. अब ये सीन है अब जॉब भी नहीं है और अब सिर्फ लिटरली चिलिंग करने के लिए आया हूँ मैं. बड़ी क्लीशे सी लाइन है म्यूजिक इज लाइफ. म्यूजिक इज अ रिलीफ आई बिलीव. पेप्सी और म्यूजिक रिलेशनशिप तो आई थिंक मुझे बचपन से याद है, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ बल्कि वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ भी हर जगह पेप्सी का लोगो नज़र आता था. मेरा फेवरेट बैंड तो पेप्सी का ही रहा है शुरू से. मैं वाइटल साइन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ. पेप्सी जो है वो बहुत अरसे दराज से मेरे बचपन से या शायद उससे भी पहले आर्टिस्ट को प्रमोट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ऐसे शोज थोड़े डिफिकल्ट तो होते हैं, मेंटली बड़ा आपको नर्वस आप होते हैं. आई होप सब चीज़ें ठीक जाएंगी और अच्छा होगा.